नमस्कार दोस्तों। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये आप देखिए, गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार है और किसान ने सही वक्त पे सही चयनित खेत में सही प्रकार से बीज लगाए, उनकी देखरेख अच्छी तरह की, तो आज वो दिन आया है कि वो अपनी फसल देख के खुश हो रहा है और उसकी कटाई करा रहा है। ये आप देखिए, हाथ से फसल की कटाई हो रही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरा का पूरा गेहूं का पौधा किसान के पास बच जाता है और इसकी जो फॉडर बनता है, हे फॉडर, जो तूड़ी बनती है वो काफ़ी अच्छी बनती है। जो जानवर इन्होंने पाल रखे होते हैं, गायें भैंसें, उनके खाने में ये काम आती है। ये देखिए, इस तरह से फसल काट के रख दी जाती है और इसके बंडल्स बनाए जाते हैं और आज आपको दिखाते हैं कैसे इनमें से दाने निकलते हैं, गेहूँ कैसे निकाली जाती है। ये देखिए, थ्रेशर लगा हुआ है और लेबर जो है वो ऐसे बंडल्स उठा के, फसल कटी हुई फसल के बंडल्स उठा के वो थ्रेशर तक लाते हैं और थ्रेशर के अंदर ये बंडल्स धीरे धीरे डाले जाते हैं। एक साइड से अभी आपको दिखाते हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए, किसान सुपरवाइज कर रहे हैं कि सारे बंडल सही आ रहे हैं। ये ऊपर आप देखिए, दो व्यक्ति हैं दाएँ हाथ पे, ये दो व्यक्ति हैं जो एक एक बंडल उठा के थ्रेशर में अंदर मशीन के अंदर पुश कर रहे हैं। ये देखिए, ये अंदर जा रहे हैं और अंदर जो थ्रेशर है वो इस पौधे में से गेहूं को अलग कर देगा और बाकी जो गेहूं का पौधा है उसकी तूड़ी बना देगा, उसका फॉडर बना देगा। एक एकड़ में लगभग 22 से 26 क्विंटल गेहूँ निकलती है। लगभग आप देखिए 40 किलो बीज लगते हैं एक एकड़ में और लगभग 2500 किलो गेहूँ निकलता है। ये आप देखिए, एक साइड से तूड़ी निकल रही है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पे आप 40 रुपये लगा के 2500 रुपये बना दें 6 महीने में। ये सिर्फ एग्रीकल्चर है जिसके अंदर इतना मल्टीप्लाई हो जाता है, भगवान देता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे जो किसान हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का आर्थिक प्रबंधन सही नहीं होता, उनका फसल उगाने का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है, वो लोग ज़ीरो बजट पे काम नहीं करते, काफ़ी फालतू की पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र, ज़मीन के अंदर काफ़ी कुछ लगाना पड़ता है, सिंचाई वगैरह का प्रबंध, इन सब से उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है। तो ये देखिए, एक तरह तूड़ी इकट्ठी हो रही है, तूड़ी भी बिक जाती है, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की तूड़ी बिक जाती है एक किले में से, एक एकड़ में से। ये शाम का वक्त है, किसान अपने खून पसीने की कमाई जो है, जो फसल आज बनी हुई है उसमें से दाने अलग कर रहे हैं और ये दाने जो हैं ये फिर बैग्स में स्टोर कर लिए जाते हैं और वो बैग्स में गेहूं रख के उसको ग्रेन मार्केट्स, मंडियों में ले जाया जाता है जहाँ पर ये गेहूँ खरीद ली जाती है। लगभग एक क्विंटल गेहूँ का प्राइस जो है वो 1700 से 1800 रुपये होता है और वहाँ मंडी से फिर गवर्नमेंट जो है वो परचेज़ कर लेती है खाना और FCI के गोडाउन्स में जमा हो जाता है देश का अनाज। ये देखिए, एक साइड से गेहूं के दाने निकल रहे हैं, थ्रेशर जो है एक साइड से दाने अलग कर देता है और दूसरी साइड तूड़ी, और ये मशीन चलती है ट्रैक्टर से। ये सामने ट्रैक्टर है जो चल रहा है और इससे ये थ्रेशर चल रहा है। आप देखिए, किसान कितना अपना खून पसीना बहाता है इन दानों के लिए, इन फसलों के लिए।